गाइस, क्या आपके दिमाग में भी ये तीन क्वेश्चन उठते हैं कि मैं फुटबॉल में खुद को कैसे ट्रेन करूं, कि मैं एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल प्लेयर की तरह खेल सकूं, और जो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं उनका शेड्यूल कैसे डिजाइन होता है, कैसे वो खुद को ट्रेन करते हैं, क्या आप ये जानना चाहते हैं? और जो तीसरा सवाल हमारे मन में उठता है यार, क्या चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर में और एक वर्ल्ड क्लास ग्रेट प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर में, ठीक है ना? तो ये आपको मैं आज बताने वाला हूं गाइस। सो आज का टॉपिक है 5 फुटबॉल फंडामेंटल्स जिससे कि आप अपना गेम एक अनदर लेवल पर लेकर जा सकते हो गाइस। 100% ये प्लान काम करेगा आपके लिए। सो वेलकम बैक एवरीबॉडी टू सिवाना फुटबॉल क्लब। तो भैया सबसे पहली बात तो ये सुन लो कि अगर आपको अपना गेम इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको 2.5 से 3 घंटे, कम से कम 2.5 से 3 घंटे हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है, वरना आप अपना गेम इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका गेम नीचे जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं जा सकता। 3 फंडामेंटल्स है वो आपका फिजिकल बॉडी के लिए, मतलब आपको फिजिकली करना पड़ेगा, लेकिन जो 2 फंडामेंटल्स है वो मेंटल बॉडी के लिए, ठीक है, मेंटल माइंड के लिए, मतलब माइंड को आपको इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक। सो गाइस सबसे पहले फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं जो कि है टेक्निक और टेक्निकल गेम। अगर कोई भी आप फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हो तो अगर उसमें फुटबॉल इन्वॉल्व है तो उसे कहेंगे आपका क्या, टेक्निक और टेक्निकल गेम। जैसे कि सब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पासिंग, शूटिंग, ड्रिबलिंग और बॉल कंट्रोल, इन चारों चीज़ों में क्या है, फुटबॉल इन्वॉल्व है तो इसे क्या कहेंगे आपका, टेक्निकल गेम, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पासिंग की। पासिंग के अंदर आता आपका शॉर्ट पास, लॉन्ग पास, थ्रू पास, क्रॉसेस मारना, कॉर्नर मारना, ये सब चीज़ें क्या है गाइस, पासिंग के अंदर आता है। बॉल को प्रॉपरली रिसीव करना, तो ये सब चीज़ें क्या आता है, पासिंग के अंदर आता है। तो इसको क्या करना है, आपको इम्प्रूव करना है। सेकेंड चीज़ है वो है आपका शूटिंग। तो शूटिंग के अंदर जैसे कि आपका आता है पावर शॉट, ठीक है, कर्व शॉट, नकल बॉल शॉट, फ्री किक, पेनल्टी की प्रैक्टिस करना, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना, जैसे कि और फिनिशिंग करना प्रॉपरली, ठीक है, गोल स्कोर करने के लिए, और आता आपका वॉली शॉट्स, ये सब चीज़ें आती है आपके शूटिंग के अंदर। इन सबको इम्प्रूव करते जाओ शूटिंग के अंदर, शूटिंग एरिया के अंदर, ठीक है। थर्ड जो पार्ट है वो है आपका ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग के अंदर क्या क्या आता है, फेंट्स आते हैं, फेंट्स मतलब अपर बॉडी को मूवमेंट करना ताकि अपोनेंट्स को आप क्या करो, कन्फ्यूज कर सको, ठीक है ना, ये होते हैं फेंट्स, इसके अंदर आता है। और स्टेप ओवर्स, ठीक है, फेंट्स, स्टेप ओवर्स, रनिंग विद बॉल, की बॉल को कैसे रन कराना है स्पीड के साथ, और इसके अंदर आता है बॉल मास्टरी, ताकि आप बॉल कंट्रोल को प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग ला सके अपनी बॉल कंट्रोल के ऊपर, ठीक है ना। ड्रिबलिंग करते समय इसको बोलते हैं बॉल मास्टरी, और बॉल मास्टरी को आपको इंप्रूव करना होगा। अब आता है ड्रिबलिंग स्पीड, फुटवर्क स्पीड, ठीक है, ड्रिबलिंग कंट्रोल और बॉल मास्टरी, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी ड्रिबलिंग के अंदर। उसके बाद फोर्थ जो पार्ट है वो है आपका बॉल कंट्रोल। बॉल कंट्रोल के अंदर आता है आपका जैसे कि बॉल को प्रॉपरली कंट्रोल करना सबसे पहले, तो दूसरी चीज़ जगलिंग करना, फुल बॉडी जगलिंग करना, ताकि आपका बॉल के ऊपर कंट्रोल हो जाए प्रॉपरली, हाई एयर बॉल्स को प्रॉपरली कंट्रोल करना, ठीक है ना, लॉन्ग पासेस को प्रॉपरली रिसीव करना, ये सब आता है आपका बॉल कंट्रोल के अंदर। इसको इंप्रूव करते जाओ इस एरिया को जो है आपका टेक्निकल एरिया। सो गाइस सेकंड जो फंडामेंटल है वो है आपका फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्या होगा, आप एक अच्छे एथलीट बन सकते हैं। फिजिकल फिटनेस का पहला पार्ट है वो है स्पीड। स्पीड मतलब तेज दौड़ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड जो चीज है वो है एजिलिटी। एजिलिटी मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्विकली मूव करना, इसको बोलते हैं एजिलिटी गाइस। इससे क्या होगा, आपकी जो ड्रिबलिंग है वो इंप्रूव होगी। थर्ड जो चीज है गाइस वो है आपका एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपको मेंटली और फिजिकली पेन हो रहा है लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म तक करे जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं आपका एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है। एंड्योरेंस को दूसरा मतलब भी होता है स्टैमिना। गाइस ये ही मैटर नहीं करता आप क्या क्या कर सकते हो, ये भी मैटर करता है कि आप कितनी देर तक कर सकते हो गाइस, ठीक है ना। उसके बाद गाइस फोर्थ जो पार्ट है वो है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब वर्कआउट करना, बॉडी की टफनेस बढ़ाना, टाइटनेस बढ़ाना, ताकि आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ा सको। स्ट्रेंथ बढ़ाने से क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ती है, जंपिंग बढ़ती है, अपनी स्ट्रेंथ को भी काम करना चाहिए, जैसे कि लेग वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है ना, बॉडी फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहिए, ये सब आता है आपका स्ट्रेंथ के अंदर। लेकिन जो आपका वेट है ना वो आपको इसमें मेंटेन रखना है, ठीक है, यूनिक आप जिम जा रहे हो बॉडी बिल्डर बन के आ गए वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल जैसे सबसे बड़ा है रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसको देखो, उसको जो बॉडी देखो ना, यूं तो है नहीं कि वो बॉडी बिल्डर बन रखा है, तो उसने मेंटेन करा है, जो अपना वेट है ना, मसल मास है, उसको मेंटेन रखना है। उसके बाद गाइस जो फिफ्थ जो पार्ट है वो है आपका बॉडी बैलेंस। आपकी बॉडी में एक बैलेंस होना चाहिए, मतलब आपकी बॉडी स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो कैसे आती है, जब आप अपनी बॉडी को बैलेंस कराना सीखोगे। कैसे, जैसे कि आपको एक टांग पर अगर मैं खड़े कर दे जाऊं तो आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस।
उसके बाद गाइस सिक्स चीज जो आती है वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी है। गाइस अपनी बॉडी की जब आप टफनेस बढ़ाओगे तो उसको बैलेंस करने के लिए गाइस आपको अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी करना, फ्लेक्सिबिलिटी की वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। उसके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, योगा करें या फिर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप। इससे क्या होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है और आप क्विकली मूव कर सकते हो, आपकी एजिलिटी भी इंक्रीज होती है फ्लेक्सिबिलिटी से। ठीक है, तो गाइस इसमें आप जो थर्ड फंडामेंटल है वो है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है एक नॉर्मल फुटबॉल प्लेयर में, एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर में और एक वर्ल्ड क्लास ग्रेट प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर में। ये चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है, मैं बोल रहा हूँ, मतलब वह है गेम इंटेलिजेंस। एक वर्ड है गेम इंटेलिजेंस, गेम इंटेलिजेंस को बोलते हैं गेम आईक्यू भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो गेम इंटेलिजेंस है गाइस ये बहुत ही शानदार है। मतलब सबसे पहले तो अवेयरनेस, अवेयर रहना, इसके अंदर आता है अवेयर रहना। जब आप गेम खेल रहे हो तब अवेयर रहो, पूरा फोकस रखो, कंसंट्रेशन रखो, अवेयर रखो मेरे चारों ओर क्या हो रहा है, मतलब देखते रहो, पूरे ग्राउंड को ऑब्जर्व करो। ठीक, दूसरी चीज़ इसमें विजन, विजन मतलब अपना जो बॉडी है उसको ग्राउंड के लिए खोलो, यानी कि आप उल्टी तरफ मोड़ रखे हो, ठीक है, ग्राउंड के लिए खोलो। दूसरी चीज़ें गाइस वह है थिंक फास्ट, थिंक फास्ट, क्विक थिंकिंग बोलो, जल्दी सोचना, जल्दी से बोलाई, जल्दी से सोचा, जल्दी से एक्ट किया, आपका गेम ऐसा फास्ट हो जाएगा ना। तो ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें ना आप ना प्रैक्टिस मैचेस में इंप्रूव कर सकते हो, प्रैक्टिस मैचेस में इंप्रूव कर सकते हो, या आप जो गेम खेलते हो, जो आप टूर्नामेंट्स खेलते हो उनमें इंप्रूव कर सकते हो, तभी इंप्रूव होंगी। ठीक है, जैवी, ठीक है, जैवी हो गया, इनिस्टा हो गया, ये इतने ग्रेट प्लेयर कैसे हैं, कैसे इनके पास, इनकी वीडियोज़ देखो गाइस, मैंने इनकी वीडियो आपको आपके लिए डालूंगा। ठीक, सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना है बड़े प्लेयर्स को, ठीक है ना, इनकी वीडियोस देखें, इनके विजन को देखें, इनके गेम इंटेलिजेंस देखें, कैसे मैच में क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, इनको देखना है, फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्व करना है, सेकंड स्टेप अंडरस्टैंड करना है, समझना है क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस सिचुएशन में कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करना है, फिर अंडरस्टैंड करना है, फिर अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करना है उस चीज़ को। प्रैक्टिस में अप्लाई कैसे, प्रैक्टिस मैचेस में अप्लाई करना है, टूर्नामेंट जब आप खेलने जाते हो तब अप्लाई करना है, तो आप देखना आपका गेम कैसे उछाल मारेगा। मैचेस में अप्लाई करोगे तो वहाँ आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ बुरे एक्सपीरियंस होंगे, कभी आप फेल से होंगे, ठीक है, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, तो उन दोनों एक्सपीरियंसेस जब आप घर में बैठे के एनालाइज करोगे, उनसे कुछ सीखोगे तो अगली बार जरूर इंप्रूव करोगे। जिसमें चौथा आते होता है गेम एनालिसिस, खुद का गेम एनालाइज करो, मैच खेलने के बाद खुद को ऑब्जर्व करो, ठीक है, एनालाइज करो कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी, ठीक है, और कल मुझे क्या क्या इंप्रूव करना है इसमें। तो गाइस इस सब को बोलते हैं गेम इंटेलिजेंस। चौथा फंडामेंटल्स जो है वो है प्रॉपर माइंडसेट। तो अपना माइंडसेट प्रॉपर बनाओ। प्रॉपर माइंडसेट कैसे बनेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, एटीट्यूड होगा, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, कंपोजर, काम, कूलनेस, ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, कंपोजर दिखाना, सिंपैथी दिखाना प्लेयर्स की, कि भाई होपलेस ना होना। अब आपका कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव होगा, ठीक है ना, गेम इंटेलिजेंस की वजह से। आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, बुरे भी अच्छे भी, तो उससे जो एक्सपीरियंस से क्या होता है, बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक मैच खेला उसने, हालत ख़राब, दो तीन खेला, चार खेला, पाँच खेला, एक पाँच छः बार, उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो होने लग जाएगा, ठीक है ना। होपलेस हो रहे हो, डर रहे हो, फियर, अगर वो अपनी अवेयरनेस को बढ़ा दो और वो स्किल्स करो जो जिसकी आपने प्रैक्टिस करी है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप डरोगे भी और आपसे होगा भी नहीं कुछ। तो अगर आपने लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करी है तब आप ट्राई करो, बस ट्राई, पूरा फोकस लगा के, पूरी अवेयरनेस बढ़ा के ट्राई करो उस चीज़ को अपोनेंट के सामने, चाहे कोई स्किल्स है, चाहे क्रॉस मारना है, कोई फ्री किक है। तो जब आप ट्राई करोगे ना, आपने ट्राई करा, गोल स्कोर हो गया, उस एक्सपीरियंस है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, उसी टाइम में कह रहा हूँ, उसी टाइम आपके साथ भी होगा, बहुतों के साथ, उसी टाइम यहाँ से ना यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो आप एकदम से बूस्ट करेगा कॉन्फिडेंस आपका। पांचवा है रिकवरी, यार रिकवरी, बहुत रिकवरी होना। अगर आपने आज दिन भर प्रैक्टिस करी, ठीक है, कल के दिन आप उठ ही नहीं पाए, ठीक है, ग्राउंड पे आ ही नहीं पाए, तो क्या फ़ायदा उन्हें। रिकवर आप कैसे हो सकते हो, पहले तो नहा सकते हो बढ़िया से ठंडे पानी से, उसके बाद बर्फीले पानी में, बर्फ़ वाले पानी में आप ठंडे पाँव डूबो के कूल होने की कोशिश करते हो। तीसरा आप क्या कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी की या फिर स्ट्रेचिंग कर सकते हो, लाइक कूल स्ट्रेचिंग, जिससे आपके मसल्स जो हैं रिलैक्स मिले उन्हें, ठीक है ना। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हो, अच्छा खाना, न्यूट्रिशन डाइट ले सकते हो, गुड न्यूट्रिशन डाइट, जिसमें आपका कार्ब्स होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन्स होंगे और हेल्दी फैट्स होंगे, ठीक है ना। और क्या कर सकते हो, मसाज कर सकते हो बॉडी की, खुद ही मसाज करो यार, भयंकर करो, ठीक है, वो भी ऑयल से मसाज कर सकते हो आप, कि बॉडी रिकवर हो पाए और कल आप फिर उठ पाओ, किसके लिए, नए प्रैक्टिस के लिए, नए मैचेस के लिए,
नए इम्प्रूवमेंट के लिए, नए अलग लेवल पे जाने के लिए। जैसे अपने ट्रेनिंग शेड्यूल को क्या करो, बनाओ, ट्रेनिंग शेड्यूल बनाओ, 1 वीक का बनाओ, ठीक है ना। इनसे अपना ट्रेनिंग शेड्यूल बनाओ, इम्प्रूव करो उसमें, ये 5 चीज़ें होनी चाहिए उसमें, तो आपका गेम देखो अनदर लेवल पे जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और घंटी को दबा के ना उसका जो ऑल वाला ऑप्शन है उसको जरूर दबाओ, ताकि आप तक मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज पहुँच सके। सो यू कैन सी मी वेरी सून टिल द नॉर्वेज से लिव फुटबॉल लाइफ। थैंक यू।